गुलिस्तान न्यूज की खबर का कुछ ही समय में हुआ असर। सहार पंचायत में भू माफिया की उम्मीदों पर फिरा पानी। घास चराई जमीन पर रखी बुनियादों पर चला बुलडोजर। पुलिस के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के आदेश पर हुआ एक्शन। नियम तोड़ने पर निजी स्कूलों के वाहनों पर कसी नकेल। बच्चों की कीमती जानों से सरेआम हो रहा था खिलवाड़। और सेब की खुशबू से महकेगा जम्मू का भलवाल ब्लॉक। उत्पादन करने में जुटे ज्यादातर किसान। बागवानी विभाग का सहयोग हुआ कारगर साबित। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको गुलिस्तान न्यूज की खबर का जो असर हुआ है वो बता देते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में ये असर देखने को मिला है। कल यानी कि सोमवार को यहां पर खबर पर आप देखिए किस तरह से एक्शन जो है वो देखा गया है। कल ही एक खबर चलाई जाती है जिस तरह से कठुआ की सहार पंचायत में घास चराई जो जमीन है उस पर भू माफियाओं ने अपना कब्जा किया हुआ था और सरेआम वो कब्जा किया गया था और राजस्व विभाग आंखों पर पट्टी बांधे हुए लंबे ताने सोया हुआ था। तो इसी खबर पर प्रसारित जब आप देखिए बात की गई है या सामने पूरी बात को रखा गया तो जाहिर तौर पर अब इस पर एक्शन लिया गया है। पहले की तस्वीर आपके सामने है जहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, गांव के लोग ही किस तरह से बताया जाता है उनकी तरह से पूरी जानकारी सामने रखी जाती है। इमारतों के निर्माण के लिए यहां पर नींव जो है वो रखी गई थी और बुनियादों पर पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। फिलहाल इसी खबर पर अपडेट के लिए भी संवाददाता के पास चलेंगे, लेकिन दोनों तस्वीरें आप जरा देखिए कि किस तरह से पहले जो निर्माण हो रहा था पूरी तरह से बिल्डिंग बनाने की यहां कवायद जो है वो शुरू कर दी गई थी और दूसरी तस्वीर में अब की तस्वीर जो कि ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पीला पंजा जो है वो चलता नजर आया है। जेसीबी मौके पर पहुंची और पूरे यहां पर काम को आप देखिए ध्वस्त करने की कोशिश की गई है, यानी कि बिल्डिंग बनाने की एक कोशिश की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया गया है। गुलिस्तान न्यूज की खबर का यह असर कुछ ही समय में देखा गया है और अगर इसी तरह से विभाग यहां पर काम करता है जम्मू कश्मीर के अंदर तो जाहिर तौर पर लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले कई बार सवालिया निशान जरूर यहां पर उठते रहे हैं राजस्व विभाग पर कि राजस्व विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन सरकारी जमीन पर जिन लोगों की तरफ से कब्जा किया गया था उन पर कहीं ना कहीं नकेल अब कसी गई है। तो प्रशासन हरकत में आया है और पूरी तरह से जो निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी उस पूरे ढांचे को ध्वस्त फिलहाल कर दिया गया है, क्योंकि ये घास चराई जमीन थी और घास चराई जमीन पर इमारतों के निर्माण के लिए ही यहाँ बुनियाद जो है वो रखी गई थी और इस नींव को रखकर किस तरह से काम यहाँ पर होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही राजस्व विभाग ने एक बड़ी पहल की है और उसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से उसे ध्वस्त कर दिया गया है और डिपार्टमेंट पर जिस तरह सवालिया निशान लग रहे थे अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि अगर इसी तरह से हर विभाग काम करता है तो फिर जाहिर तौर पर लोगों को जो समस्याएं पेश आ रही हैं उस पर कहीं ना कहीं हल हो सकते हैं, हल की मोहर जो है वो लग सकती है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर ये कहना होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से लेट लतीफी की जा रही है, ढिलाई बरती जा रही है जिसकी वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें आप जिला कठुआ से देख रहे हैं जहाँ पर कठुआ के अंदर भू माफिया लगातार अपना जो बोलबाला है वो बनाते नजर आ रहे थे और भू माफियाओं की तरफ से सरेआम ये कब्जा किया गया था और राजस्व विभाग की ये जमीन है जिस पर कब्जा किया गया था। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि घास चराई जमीन पर इस पूरी नींव जो है बुनियाद जो है वो रखी गई थी बिल्डिंग को लेकर, लेकिन किस तरह से इसे ध्वस्त कर दिया गया है अब देखना ही होगा कि आगे की कार्यवाही प्रशासन की तरफ से किस तरह से की जाएगी, विभाग की तरफ से किस तरह से की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ सहार पंचायत है जहां पर भू माफियाओं का बोलबाला देखने को मिला है और उसके साथ ही अब एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर आपके सामने है। इससे पहले आपने देखा जल शक्ति विभाग पर भी कई तरह के सवालिया निशान लग रहे थे, लेकिन अब की ताजा स्थिति क्या कुछ है रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, कुछ ही समय में खबर का असर हुआ है, एक तो खुशी की बात है लेकिन दूसरा ये है कि अगर इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं तो फिर लोगों की समस्याओं को पूरी तरह से आप देखिए हटता हुआ देखा जा सकता है। ताजा क्या कुछ स्थिति है इस वक्त पहले वो बताइएगा। आशा, ये जो मामला है कठुआ से सटी एक पंचायत है सहार पंचायत, वहां के पीआरआई मेंबर
जो थे उन्होंने जो कल प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो प्रशासन है वो हरकत में आ गया और जो भूमाफिया पर मुख्य लोग थे जिन्होंने वहां पर जमीन को कब्जाने का काम किया था, वहां पे वो कंक्रीट की वो कारें लगाना शुरू कर दी थी, वहां पर रेत बजरी ईंट पत्थर सीमेंट पड़ा था बड़ी मात्रा में। और जैसे ही उन लोगों ने प्रदर्शन किया, वो पहले तो वो वहां से भागे, और उसके बाद जब डीसी कठुआ के संज्ञान में ये लाया गया और तहसीलदार के गया, पटवारी तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर इसको काम को पहले बंद करवाया, और खबर चलने के एक एक 1.5 घंटे के बाद ही 2 घंटे के बाद ही प्रशासन जो है हरकत में आ गया और शाम को देर शाम को जेसीबी मशीन लेकर वहां पर पहुंच गया। और वहां पर जो जितने भी कंक्रीट के अवैध रूप से स्ट्रक्चर जो उस जो घास चराई भूमि थी वो उस पर बनाए थे, क्योंकि घास चराई एक ऐसी किस्म होती है भूमि की जिस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जा सकती, तो जिसके चलते उन्होंने ये जो अवैध काम किया था जो भू माफिया के लोगों ने, उसको हटाना प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया था। और प्रशासन ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए लोगों के प्रेशर के चलते यहाँ पे इसको यहाँ से शाम को अपना पीला पंजा चलाते हुए यहाँ से जितना भी उनका कब्जाया हुआ स्ट्रक्चर था वो सारा ध्वस्त कर दिया, और जिसके बाद लोगों ने रात राजीव, की इससे सांस ली पहले है आपने स्थानीय। देखा कि भूमाफियाओं को लेकर कई बार खबरें जो है वो सुर्खियां बटोरती नजर आई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आरोप लोगों की तरफ से ये लगाया गया कि विभाग ढिलाई बरत रहा है, विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन इस बार विभाग ने जिस तरह से एक्शन लिया है, अगर इसी तरह से आगे भी एक्शन ले रहा है, तो फिर जाहिर तौर पर जो लोगों की परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर हो सकती है भूमाफियाओं को लेकर। अच्छा, इस खबर में भी जो स्थानीय लोग थे जो पीआरआई मेंबर थे, जब उन्होंने कल प्रदर्शन किया था तो उस समय भी उन्होंने आरोप लगाए थे राजस्व विभाग पर कि उनके कर्मचारी प्रभारी तहसीलदार गिरावर शायद इन भू माफिया के लोगों के साथ मिले हो सकते हैं, उन्होंने आरोप भी लगाए थे। लेकिन जब ये खबर चली उनकी तरफ से जो भाई उठाई गई आवाज को मीडिया द्वारा जो हमारे चैनल द्वारा जो बड़ी जोर शोर से उठाया गया, तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पर नए तहसीलदार पटवारी गिरदावर को भेजा और एक जेसीबी मशीन भेजी और देर शाम तक तो जितना भी सारा स्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त कर दिया और उस चलिए भूमि रंजीव, को बहुत बहुत उखाड़ दिया। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे संवाददाता कठुआ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा एक्शन विभाग की तरफ से लिया गया है, लेकिन आगे की तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी ये समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पूंछ लिए चलेंगे, और सुरनकोट की पुलिस की तरफ से किस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि सुरनकोट में पुलिस के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के आदेश पर तुरंत एक्शन हुआ है, और डीएसपी ने नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे निजी स्कूलों के वाहनों पर नकेल कसने का आदेश भी जारी कर दिया था, जिसका संज्ञान लेते हुए सुरनकोट के एसएचओ ने अपनी टीम के साथ नाका लगाकर कई स्कूल वाहनों के चालान काटे हैं और उनके चालकों को भविष्य में नियम न तोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो डीएसपी के मुताबिक यहां सुरनकोट में ज्यादातर स्कूली वाहन नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे और बच्चों की कीमती जानों से खिलवाड़ हो रहा है। तो आप देखिए इस पर किस तरह से एक बड़ा एक्शन जरूर लिया गया है, क्योंकि स्कूली बसेज हैं और स्कूल बस के अंदर बच्चों को अगर बिठाया जाता है तो जाहिर तौर पर ड्राइवर की यहाँ पर एक जिम्मेदारी जरूर बनती है कि उन बच्चों को सेफली किस तरह से उनके घर पहुंचाया जाए। लेकिन अगर इसी तरह से काम जो है वो चलता रहा तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट के आदेश पर जल्द से जल्द ये एक्शन किया गया है, डीएसपी की कवायद में किस तरह से ये काम किया गया है इसी पर जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया। आकाश, जरा पूरा मामला समझाइएगा, क्योंकि चालान तो काटे गए हैं लेकिन आगे की कार्यवाही किस तरह से पुलिस की तरफ से की गई है। हाँ जी, ऐसे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है एसडीपीओ सुरन कोर्ट की तरफ से जो है कल ही एक ऑर्डर निकाल गया, जिसमें था कि कई सारी ऐसी स्कूल बसेज है, लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी कि स्कूल बसेज में जो है कंडक्टर्स नहीं और ओवरलोडिंग हो रही है। आज सुबह उसका जीता जागता सबूत हमने देखा कि एसडीपीओ सुरन कोर्ट के दायित्व पे एसएचओ सुरन कोर्ट में डिफरेंट जगह पे नाके लगा के तमाम वो स्कूल बसेज जो ओवरलोड चलती है उनके खिलाफ चालान भी काटे गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। वहीं पर डीएसपी सुरन कोर्ट ने कहा कि आने वाले वक्त में ये ना सोचे कि आज ये कार्रवाई चलेगी, आने वाले समय में कहीं पे भी अगर कोई भी ओवरलोडिंग पाया गया, चाहे वो सिविल बसेस हो चाहे वो स्कूल की बसेस हो, लेकिन आज की डेट में आज जो है कड़ी कार्रवाई की गई है स्कूल बसेस के खिलाफ। जी आज क्या लगता है कि इस तरह से कार्रवाई करना बहुत जरूरी रहता है, और ये कोई अभियान सिर्फ एक ही बार नहीं शुरू होना चाहिए, आगे भी रूटीन चेकअप इसी तरह से होते रहना चाहिए।
हाँ जी हाँ, उस हवाले से बताऊँ, ये आज चेक हुआ है और एसडीपीओ सुरन कोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में ये कम्प्लीटली आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि दूरदराज इलाका है, इसमें जो गाँव से भी गाड़ियां आती है जिसमें काफी सारे बच्चे गाड़ियों में ओवरलोड रहते हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एसडीपीओ सुरन कोर्ट ने कल ही एक ऑर्डर निकाला जिसपे आज जो है एक्शन हुआ और काफी सारी गाड़ियां जो है जिनके ऊपर चालान भी काटे गए और आने वाले वक्त में भी चालान काटे जाएंगे। जी हाँ चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से सुरन कोर्ट के अंदर एक बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन ये हर एक जिले के अंदर एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल बसेस के अंदर चेक करने की जरूरत है क्या वाकई में बच्चे वहां पर सीट्स पर बैठे हुए हैं या फिर ओवरलोड हैं, क्योंकि खबर जो है वो सुरन कोर्ट से आप देख रहे हैं जहां पर ओवरलोडिंग की जा रही है बच्चों की, और उसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है वो एक्शन मोड में आई है। लेकिन इस अभियान को और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है और चेक लगाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, बारिश के निर्भर जम्मू के भलवाल इलाके के अंदर अब किस तरह से सेब वहां पर उगाए जाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। किसान अब बागवानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने के लिए इस ब्लॉक के कई गांव में जो किसान हैं अब बागवानी विभाग के सहयोग से सेब का उत्पादन कर रहे हैं। तो पंचायत लोअर अम के ही सरपंच जसपंत सिंह के मुताबिक यहां बागवानी विभाग सेब के उत्पादन के लिए आर्थिक मदद के लिए साथ साथ ही आप देखिए किस तरह से आगे हाथ बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ ही पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसके कारण लोग सेब के उत्पादन के लिए आगे आ रहे हैं। तो साफ तस्वीरों में आपके सामने आप देख सकते हैं कि खेत में किस तरह से सेब उगाने के लिए अब यहाँ पर किसान जो है वो आगे बढ़ रहा है। उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं किसान जो है वो काम करता नजर आएगा, क्योंकि बागवानी विभाग के सहयोग से अब कहीं ना कहीं ये सेब उगाने का काम जो है वो कारगर सिद्ध हो सकता है और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जिस तरह से एक बड़ी बात कही गई थी, अब देखना ये होगा किसानों की आय वाकई में इसमें दोगुनी होती है या नहीं, क्योंकि आप देखिए मौसम लगातार जम्मू के अंदर करवट बदल रहा है, लेकिन उस बीच में पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ सेब अगर यहाँ पर उगाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों को फायदा तो होगा ही, लेकिन उस बीच में यहाँ पर समझना यह भी है कि जिस तरह से कृषि विभाग की तरफ से उम्दा कदम उठाए जा रहे हैं सहयोग के लिए, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं यहाँ पर किसानों के लिए, लेकिन उस बीच में बारिश पर निर्भर जम्मू के भलवाल ब्लॉक के किसान अब बागवानी की और आकर्षित हो रहे हैं, और बारिश अगर यहां पर नहीं होती है तो किस तरह से सेब को उगाया जाएगा और ठंड का मौसम किस तरह से उन्हें दिया जाएगा, यानी कि तापमान को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कृषि विभाग की तरफ से कहा गया है कि वो पूरा सहयोग करेंगे और किसानों को यहाँ पर आय दोगुना करने के लिए मदद भी दी जाएगी, लेकिन सेब का उत्पादन अब किसानों ने सेब शुरू के कर पेड़ दिया हमने है। लगाए हुए हैं, ये जो HRM जो 99 वैरायटी है, ये नई वैरायटी जो तैयार की है हॉर्टिकल्चर वालों ने, ये गर्म इलाकों के लिए, जैसे कि सेब आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ बर्फ पड़ती है, लेकिन ये जो वैरायटी है ये गर्म इलाकों के लिए जहाँ बर्फ नहीं पड़ती वहाँ के लिए तैयार की गई है। तो सरकार की तरफ से हमें अच्छी फैसिलिटी मिल रही है इसके, हमने 20 कनाल ये जो हमने बाग लगाया है तो उसके एवज में हमें ये बोरवेल का ये हमें सब्सिडी दे रहे हैं उसमें 90,000 की, तो अभी लेकिन मिली नहीं है, लेकिन हमने मैंने 2 बार ये पेड़ कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं आपने देखे होंगे, तो ये हम लगाए हैं पानी की कमी के वजह से सूख गए थे, अब दोबारा हम उनमें जो जहाँ बूटा जो पेड़ जो मर गया है वहां पर नया पेड़ दोबारा लगा रहे हैं, दोबारा हमने उसको कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा पूरे का पूरा जो 20 कनाल का ये हमारा अर्चर तैयार हो जाए। ये जैसा आप जानते हैं कि कंडी का इलाका है, कंडी के इलाके में बारिश होगी तो फसल होगी, तो बारिश पानी की कमी के कारण हम अगर बागवानी की तो अर ध्यान देंगे, बागवानी में हमें 2 1 2 साल 3 साल ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पे बूटे जो कोई भी पौधा है उसको पालने के लिए, उसके बाद इसको इतनी पानी की जरूरत नहीं रहेगी, उसकी वजह से हमें जो है जो हमारी किसानों की आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी और किसान जो खुशहाल होगा, हमें और कामों की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वेतन विसंगतियां दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर पुलिस विभाग की सेवानिवृत्त नॉन गेजेटेड पूर्व मुलाजिमों ने जम्मू में आज फिर से प्रदर्शन किया और इन पूर्व मुलाजिमों ने 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ भी नहीं मिल पाया है, इस तरह से आरोप लगाया है, ये मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इन लोगों ने उपराज्यपाल से जल्द उनकी सुनवाई करने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। सर हमारी जो पे अनामली है बड़ी देराना मांग है, ये 1196 से लेकर आज तक चली आ रही है, 5th पे कमीशन लागू हुआ, उसके बाद 6th पे, अब 7th पे कमीशन भी लागू हुआ तो उसमें भी हमें डिनाई किया गया, तो लिहाजा आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस हमारे देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें सीनियर सिटीजनों को थोड़ी सी राहत मिले। आज आपको मालूम है कि महंगाई का दौर है, तो इस दौर में
दवाई वगैरह लेना, दूसरा तीसरा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज दवाइयों की कीमत आसमान छू रही है और डॉक्टरों की फी वगैरह भी, वो भी आपको मालूम है कि वन टाइम चेक करने के लिए वो भी 1000 से ऊपर लेते हैं। तो लिहाजा हम आपसे, आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमारा डीए की किस्त है उसको जल्द से जल्द बाजार किया जाए। उसके बाद ये जो 65 और 70 प्लस अबव तक ये जो 5% जो हमारी पेंशन सीनियर सिटीजन का जो गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा था, और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि हमें राहत मिलनी चाहिए। तो हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबों ने हमारे साथ लारे वादे जहाँ से ही किए और हमें आज तक किसी ने इंसाफ नहीं दिया। तो आज हम ये आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि ये हमारे दराने मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें ताकि हमें रात की सांस ले। तो मोटे अनाज के फायदों के प्रति जागरूक करने के लिए भारत में, यहां आप देखिए साइकिल मैन और एग्रीकल्चर मैन ऑफ इंडिया का खिताब हासिल करने वाले नीरज कुमार प्रजापति कश्मीर के ही कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और नीरज कुमार प्रजापति ने अपनी इस यात्रा का शुभारंभ कश्मीर से किया है। आज उधमपुर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अपनी 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के दौरान नीरज कुमार लोगों को मोटे अनाज के फायदे के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2023 जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से जाना जा रहा है, और इसको जब 2017 में इसको भारत सरकार ने इसको प्रपोज किया था यूएन में कि हम लोग एक ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो जब ये अप्रूवल 2018 में इसको अप्रूवल मिला और 2023 को भारत को इसकी कमान दी गई कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन में इसको प्रमोट करना मिलेट को। और हमारी जो यात्रा है कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा, इसके यात्रा का नाम है मिशन मिलेट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी M2K2, ये यात्रा का नाम है। और इस यात्रा को अभी हम लोग जो चालू है, अभी 30 तारीख को ये फ्लैग ऑफ वहाँ से जम्मू से जो डॉक्टर अपने जो श्री चौधरी इकबाल सर है जो कि डायरेक्टर कश्मीर, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ करके फिर 1 तारीख को कल ये सुबह 10 बजे लाल चौक श्रीनगर से चले थे, और फिर कल हम अनंतनाग होते हुए फिर परसों चले थे 1 तारीख को चल के, फिर अनंतनाग के भी रुके, फिर हम आज उधमपुर पहुंचे और अभी हम लोग जम्मू जा रहे हैं। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज श्रीअन्न या फिर न्यूट्री सीरियल्स बोले, उनका फायदा बताना, क्योंकि इसमें मिलेट्स में सबसे अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके कारण डायबिटीज और शुगर जैसी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। उसके अलावा इसमें इसको पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे आपके पोटेशियम हुआ कैल्शियम हुआ जिंक हुआ ऐसे। और उसके अलावा इसमें जो अगर हम गेहूं चावल की बात करें तो उसमें ग्लूटिन पाया जाता है, तो इसमें मिलेट्स में ग्लूटिन किसी प्रकार ग्लूटिन नहीं होता। ये भैरव अष्टमी पर आज जम्मू स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। काल भैरव मंदिर में आज 52 बिरादरियों को मेल में किस तरह से आप देखिए एक बुलावा दिया गया था, और मेल भी यहां पर लगाई गई है जिसमें इन बिरादरियों के बारे में पूरे राज्यों के लोग भी शीश नवाकर पूरी तरह से अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं। कल यानी बुधवार को यहाँ वार्षिक भंडारा भी लगाया जाएगा। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य पर पिछले कुछ दिनों से मंदिर कमेटी द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जी, बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है जम्मू में, जहाँ काल भैरव अष्टमी है आज के दिन, जहाँ बड़े लोग माथा टेक रहे, दूर दराज से जहाँ पर लोग आ रहे, पहले इतना नहीं था, थोड़े सालों से बहुत काफ़ी, जैसे जैसे लोगों की मान्यता जहाँ मन्नतें पूरी हो रही हैं वैसे वैसे जहाँ लोग आते जा रहे हैं। ये नहीं है किसी चीज़ की जहाँ कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जहाँ भंडारा है बहुत अच्छा लगता है, जहाँ का सारा सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है, जहाँ की सजावट देखी है आप बहुत अच्छी है, हर तरह से यहाँ मतलब सब प्रकार से यहाँ मतलब अच्छा ही है। और जो मतलब कि जहाँ हमारे भारत में माने तो हमारे भारत में 3 मंदिर हैं भैरवनाथ जी के, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एकलौता मंदिर है जहाँ जम्मू में स्थित है और जहाँ की बड़ी मान्यता मानी जा रही है। आज काल भैरव अष्टमी है, इस दिन लोगों की मेल लगती है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये प्रक्षत भगवान जी है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, बच्चों को सुख शांति देते हैं,
सबके सिर पे अपना हाथ रखते हैं। काफ़ी यहाँ पे भंडारा चलता है, बहुत मेला लगता है, 3 दिन का मेला है, 4, 5, 6 का। बहुत दान पुण्य करते हैं यहाँ, जो भी आता है वो जोलियाँ भर के लेके जाता है। हवन होता है, हवन में भी काफ़ी दुनिया आती है, दूर दूर से लोग आते हैं, जिनको बच्चों को कुछ कष्ट होता है बच्चे देते हैं, ये यहाँ पे बच्चों को फंडे करते हैं, सब दुनिया के बच्चे यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो जिला डोडा की भद्रवाह सब डिवीजन की यहां धीराजा पंचायत के लोगों को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई है। इस पंचायत में हेल्थ सब सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे लोगों को समर्पित कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन जिले के डीसी हरविंदर सिंह ने किया है। डीसी ने बताया कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा पहुंचाने के मद्देनजर हेल्थ सब सेंटर बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें मामूली इलाज के लिए बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों की सुविधा के लिए जो कमियां रह गई हैं उन्हें भी सिलसिलेवार ढंग से पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा एक दूरदराज की डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे एक जीएमसी नया खुला है जो भी फंक्शनल है, बट अगेन बिकॉज जो टेरेन है बहुत हिली है, तो लोगों के गांव में अलग अलग जगह सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सब सेंटर्स खोल रही है। तो आज हम धरेजा में आए थे, यहाँ पे एक सब सेंटर खोला गया है और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि इसे फुली फंक्शनल किया जा सके। ये बिल्कुल गांव के बीच में है, काइंड ऑफ लोगों के डोर स्टेप पे है, बट देन जो यहाँ पे गलियां आती हैं मैंने देखा उनमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बीडीओ साहिबान को डायरेक्शंस दे दी गई हैं, इनफैक्ट वर्क को काम को रखा गया प्लान में, तो इमिडिएटली मुझे लगता है जल्दी से जल्दी ये लेंस वगैरह जो यहाँ तक आने की है वो ठीक हो जाएंगी और लोगों को सहूलियत होगी। तो बिश्नाह के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने यहां म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि म्युनिसिपल कमेटी द्वारा उनके वार्ड में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। म्युनिसिपल कमेटी में ना तो वार्ड में गलियों की मरम्मत कराई गई है और ना ही पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि उन्हें बारिश के मौसम में जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कोई भी कम नहीं आई, वार्ड मैंबर को भी गए अस, म्युनसिपैलिटी भी दी एप्लीकेशन, तो काफ़ी सारे असें भज दौड़ की है, लेकिन यह कोई हल नहीं होता है। पता नहीं ज्यादा इधर कोई ब्राह्मण उच्च कास्ट का आदमी नहीं है, तो करिए नहीं बना दी, या फिर शड्यूल कास्ट करिए मतलब कि इसे इग्नोर करा देना। तो अस ये रिक्वेस्ट करने भी ये गली बननी चाहिए, ठीक है, ताकि साढ़े भी बच्चे ठीक ठाक आई जाई सकन। 84 बच्चे अस जगह ले अदू की गली बनी थी, अज कोई 10 साल ला लो कि चिर हो गया, बाकी गलियां जी जिन्या भी है सब हो थोड़ा चिर हो बने, वो पक्या भी हुई कच्ची की कच्ची गई है। तो अस गौरमेंट अगर इे बेनती करने भी गली भी पक्की होनी चाहिए, किन्ने घर न 25-30-40 घर ने इधर तकरीबन, तो ये वजह नहीं पता लगती भाई वजह की है इस गली बनी चुकी है। हूँ देखो ना जो पानी पैली बच्चे जाता वह भी किन्ने परेशान ने पाया, उनका भी नुकसान होता रहा। एह जिहड़ी साड़ियां समस्या है म्युनिसिपैलिटी की भी असें काफ़ी बार अपनियां प्रार्थना दित्तियां ने, ते कंसर्निंग डिपार्टमेंट की भी असें आगाह किया हा भई साड़ियां जिहड़ियां गलियां ने इंदे गली दी निकासी दा जिहड़ा पानियां दा हा उहदा बंदोबस्त किया जाए, बट साड़ा अजे तक कुसे ने भी इहदे पर कोई एक्शन नहीं किया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।